नमस्कार बच्चों, आप सभी को नारायण अमेजिंग असाइनमेंट में स्वागत है। आज का हमारा विषय बेटा चुटकी चिड़िया। क्या है? चुटकी चिड़िया। कहानी पढ़े है, इसे संबंधित हम बहुत सारे असाइनमेंट्स भी कर चुके हैं। आज का हमारा असाइनमेंट है बेटा वाक्य पढ़कर सही या गलत के निशान लगाइए। यानी हम यहाँ वाक्य पढ़ना है, जो सामने पोस्टर है उसमें क्या करना है, अगर से जो वाक्य पाठ से संबंधित है यानी सही है तो सही का निशाना लगाना, अगर से पाठ से संबंधित नहीं है उसका मतलब क्या है, गलत है, तो गलत का निशाना हम पोस्टर में डालना है। चलो आ जाइए, थोड़ा सा चुटकी चिड़िया कहानी को याद रखिए, उसके अनुसार हम यहाँ ये असाइनमेंट करेंगे। पहला क्या बेटा, चिड़िया ने नीम के पेड़ पर घोंसला बनाया। चिड़िया ने घोंसला बनाया लेकिन कौन से पेड़ पर? हाँ, बरगद के पेड़ पर। यानी नीम के पेड़ पर डाले है तो ये गलत वाक्य है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है। बंदर मीठे मीठे फल खाता था। बंदर मीठे मीठे फल खाता था। नॉर्मली बंदर मीठे फल खाता है तो ये अपने कहानी के अनुसार भी करेक्ट है, तो इसीलिए सही का निशाना पोस्टर में डाल दिया। चिड़िया रोज दाने चुगने जाती थी। चिड़िया रोज क्या करती थी? दाने चुगने जाती थी। यह भी सही वाक्य है। नेक्स्ट देखिए, बंदर को बारिश अच्छी लग रही थी। बंदर को बारिश अच्छी लग रही थी। सही है? नहीं, क्योंकि पक्षियों को घोंसला है, बारिश के समय घोंसले में बैठ गए हैं, लेकिन इनके लिए कोई उनके स्थान नहीं है, घर नहीं है, तो इसीलिए क्या करते हैं, वहीं पर डाल पर बैठ कर काम रहा था, तो इसीलिए उनको बंदर को बारिश अच्छी लग रही थी। नहीं, ये अच्छी लग रही थी दिए है तो ये गलत वाक्य है। लास्ट में देखिए, एक जगह टिककर रहना बंदर का स्वभाव नहीं है। हाँ, एक ही जगह रहेगा क्या? अगर से वो एक ही जगह रहने का जो स्वभाव वाला है तो उनको एक कोई ना कोई घोंसला रहता था, यानी मकान तो रहता था, इसीलिए ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, आज हम चुटकी चिड़िया कहानी के अनुसार ये जो वाक्य सही है या गलत है असाइनमेंट कर चुके हैं, तो इसी प्रकार अगले असाइनमेंट के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद बच्चों।